हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द पार्ट्स वर्ल्ड। और अभी मैं फिर से रेडी होकर आ चुका हूँ अपनी बाइक के पास। डेली मैंने रेडी कर दी बाइक भी, तो अब मैं फिर से निकल रहा हूँ एक ट्रिप के लिए। और इस सब की डिटेल जो है मैं चलते हुए हेलमेट में बताता हूँ, ठीक है। तो अब मैं बाइक पर बैठ के फिर मिलता हूँ। तो अभी हम दिल्ली में ही हैं और मेरा आज का प्लान है, पहले तो ये देखो ये प्लेन आया अभी। तो मेरा आज का कुछ प्लान है, मैं अभी जयपुर जा रहा हूँ। जयपुर किस लिए जा रहा हूँ, जयपुर पहले मेरा मन है कि पहले हम राजस्थान कवर करें, उसके बाद थोड़ा लंबा प्लान है, वो धीरे धीरे जो है बताता रहूँगा साथ साथ। वो मैं अभी नहीं बता रहा कि कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं ना लेट निकला था ये सोच के कि ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए देखो ट्रैफिक कितना है। मैं तो अभी मैंने इतनी देर से कैमरा भी ऑन नहीं किया था, ट्रैफिक में ही था मैं इतनी देर से। तो गाइस हम आ चुके हैं और पहले तो ये जयपुर सामने की तरफ ही है। तो और सारे ट्रैफिक वाले एरिया से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब ये मेन हाईवे आ चुका है जहाँ पे साइड में थोड़े थोड़े से पहाड़ हैं, बिल्कुल थोड़े से, जैसे क्या जंगल बोले पहाड़ बोल सकते हैं। और ये रोड पे अभी आ गया हूँ तो मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। अब इतनी देर से कम मैं कितने 2 घंटे से मैं चला रहा हूँ वैसे ट्रैफिक में, मेरे को जल्दी निकलना चाहिए था। नहीं फिर मैंने सोचा कि यार जयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से चलेंगे। तो अब ये यहीं से जो है आगरा का भी रास्ता कट जाता है। हाँ एक रास्ता और था जयपुर जाने का, वो आगरा की साइड से होता है। तो मैंने सोचा वहाँ से चले, लेकिन वहाँ से अभी 1.5 घंटे का रास्ता एक्स्ट्रा था, रास्ता जो था 1.5 घंटे का और बढ़ जाता, तो मैं उधर से नहीं गया। तो हम यहीं से चल रहे हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा ट्रैफिक था, लेकिन अब जो है अच्छा हाईवे आ चुका है। तो हम जो है अब राजस्थान में एंटर कर चुके हैं और इसी के साथ जो है ये थोड़े थोड़े से पहाड़ भी साइडों में दिखने चालू हो चुके हैं। राजस्थान में भी पहाड़ है भाई। इस साइड थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा है अभी, बस जो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए अच्छा लगेगा। धूप है काफ़ी, वैसे गर्मी तो नहीं लग रही लेकिन धूप है तो थोड़े आंखों में लग रही है धूप। तो अभी धीरे धीरे अभी चलते हैं और अभी भी 3 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। तो यार ये देखो अभी राजस्थान में ही चल रहे हैं और यहाँ पे सारे इतने ज़्यादा नहीं, मतलब ये रोड तो ठीक है नॉर्मल हाईवे है, लेकिन ये साइडों में जो है ये थोड़े बहुत राजस्थान के माउंटेंस हैं, मतलब राजस्थान में भी माउंटेंस है वैसे। हाँ है ही है, क्योंकि माउंट आबू जो है वो तो पूरा हिल स्टेशन है और वहाँ पे थोड़ा मौसम भी अच्छा होता है, ठंड होती है। ये सारा देख लो, इस साइड पर सारा जो है माउंटेंस है और इस साइड नहीं है। और अभी यही ऐसे ही चल रहा है, अभी जो है जयपुर में और 2 घंटे में पहुंचने वाला हूँ, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में जो है कैमरा चालू किया जा रहा हूँ। तो अभी ये देखो ये इस वाले माउंटेन्स के बीच में, एक तो ये पूरा जो है ना ये रॉकी माउंटेन है, ये वो नहीं है मड वाला नहीं है, बीच में एक टेम्पल बना हुआ है जिसमें मतलब सीढ़ियाँ ऐसी लगा रखी हैं ऐसे ऊपर जाती। तो ये माउंटेन के बीच में कैसा कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे माउंटेन के बीच में ही एक टेम्पल है। और इधर कोई मतलब वैसे माउंटेन नहीं है, ये छोटे छोटे से ही हैं। तो अब ये जो है गुड़गांव से लेके ये यहाँ तक एक ही हाईवे था जो था नेशनल हाईवे 48, और अब जो है चेंज करना है। ये जो रास्ता जा रहा है ये सारा जा रहा है शिकर अजमेर, हमें जाना जयपुर की तरफ जो है राइट से। और ये है अब नेशनल हाईवे 248 है जो कि यहाँ से जयपुर जाएगा, और जयपुर 1 घंटे का और बचा है बस। तो हम आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, फिर देखते हैं जयपुर में क्या दिखता है, क्या दिखा सकता हूँ। तो गाइस ये देखो अब ये वाला जो है काफ़ी अच्छा हाईवे बना रखा है, व्यू भी आ रहे हैं अच्छे। और ये ऐसे कर्व्स वाली रोड तो मेरी वैसे ही फेवरेट है, जो मैं जब भी आते हैं तो मैं बोलता ही हूँ।
और अब मैंने बोली ये बात तो देखो अब अभी, लेकिन ये वाला हाईवे जो है काफ़ी अच्छा बना रखा है, वो वाला तो उस पर थोड़े बहुत गड्ढे थे, काम चल रहा था वहाँ पे। अब ये जयपुर का रास्ता पूरा, ये यार ये देखो ये ना स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा है जिसमें ना बाइक की स्पीड लिमिट जो है 45 की है, तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। और कार की स्पीड लिमिट है यहाँ पे 40 की, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे बस हो गई उनके 25 समथिंग है, 25 या 30 है शायद, तो अभी 45 की लिमिट है, 45 पे चलूँगा। तो गाइस अभी हम जो है जयपुर आ चुके हैं, ये हम अभी जयपुर के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं जो कि ये पूरी सिटी है, और इधर भी भीड़ है नहीं है, ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक है, खुली रोड नहीं है। ठीक है, अब मैंने होटल बुक कर रखा है और वहीं चल रहा हूँ, होटल का रास्ता 10 मिनट का और है, वहाँ चल के फिर दिखाता हूँ क्या होटल है, फिर क्या करना है मैंने। तो और इधर भी ये देखो ट्रैफिक ही है, तो सुबह से मैं जब से निकला हूँ दिल्ली से तब से मेरे को ऐसे ही मिल रहा है। तो मैं रूम में अपने होटल रूम में, और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखने वाला हूँ। अब इसके बाद जो मैं जा रही हूँ मैं जाऊँगा, अगली वीडियो में दिखाऊँगा जो मैं, और अगली वीडियो को भी देखना, उसके लिए जो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो तो पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।